हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। होपफुली जो एचसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, बिकॉज आज 19 है एंड 21 को आपका पेपर है डे आफ्टर टुमारो। तो बेस्ट ऑफ लक फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड देर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक रिगार्डिंग द एडमिट कार्ड अपडेशन। हरियाणा कमीशन ने एक अपडेटेड एडमिट कार्ड दोबारा से डाउनलोड करने की इंस्ट्रक्शन दी है जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन आई हुई है और उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कुछ चीज़ें रिलेटेड टू द क्यूआर कोड, ठीक है। फॉर सिक्योरिटी पर्पस उन्होंने क्यूआर कोड एक नया सिस्टम एडमिट कार्ड के लिए उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। अब वो चीज़ें हैं क्या, अब इट इज़ कमीशन कह रहे हैं इट इज़ हियर बाय अनाउंस द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर पोस्ट ऑफ एचसीएस एंड अलाइड सर्विसेज 2022। एडवर्टीजमेंट नंबर, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है जो कि 11/2023 पब्लिश ऑन 9 February को जो नोटिफिकेशन निकली हुई थी उस पर जो फीचर ऐड किया दैट द कमीशन हैज अपडेटेड द फॉर्मेट ऑफ एडमिट कार्ड एंड इंसर्टेड क्यूआर कोड इन इट फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। एज वी नो कि लास्ट टाइम जो पेपर लीक हो गई थी वो इशू थी, तो उसे रिजॉल्व करने के लिए उस पर कुछ दूसरे देर माइंड भी देर किसी तरह का मैल एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, तो इसलिए उन्होंने ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए क्यूआर कोड का सिस्टम ईजाद किया हुआ है। अब ये क्यूआर कोड है क्या, द लिंक फॉर डाउनलोडिंग ऑफ द अपडेटेड एडमिट कार्ड हैविंग क्यूआर कोड प्रिंटेड ऑन इट। एडमिट कार्ड के अंदर क्यूआर कोड प्रिंटेड होगा, वो एडमिट कार्ड डाउनलोड आप करोगे कहाँ से, बेसिकली वो एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करोगे आप विच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 21st Sunday हैज बीन सेंड टू ऑल कैंडिडेट्स ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में आपको वो भेजा गया है वो लिंक जहाँ से आप वो डाउनलोड करोगे क्यूआर कोड वाली एडमिट कार्ड अपडेटेड वाली। जिन्होंने पहले डाउनलोड किया हुआ है जिसमें क्यूआर कोड नहीं है उसे मैं बोलना चाहूँगा कि दोबारा आप उसे अपलोड करें। इस ईमेल आईडी में आपको जो लिंक भेजा गया कमीशन के द्वारा वहाँ से करिए, ठीक है, या फिर आप इसे ये जो एचपीएससी की साइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो क्यूआर कोड आपके एडमिट कार्ड में होगा इसे माइट बी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन या एंट्रेंस के टाइम पीरियड पर यह क्यूआर कोड को यूज़ किया जाएगा ताकि ऑथेंटिसिटी प्रूफ करने के लिए कि हाँ भाई यू आर द रियल एस्पायरेंट। क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि पेपर कोई बैठा कोई और है, पेपर है किसी और का, कोई बैठा ही नहीं है, उसके रिजल्ट्स आ गए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस मैल प्रैक्टिस को अवॉइड करने के लिए ये क्यूआर कोड का सिस्टम कमीशन ने निकाला है। ध्यान से सुनिए, ये जो लिंक है आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो कि आपने फॉर्म सबमिट करने के वक्त जो ईमेल आईडी फॉर्म पे मेंशन किया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म पे, वहाँ पे बेसिकली वो ईमेल आईडी पे भेजा गया है। और वरना आप दूसरा जो तरीका है जहाँ से डाउनलोड कर सकते हो दैट इज द hpscgovernment.in। ऑल द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू डाउनलोड देयर अपडेटेड एडमिट कार्ड, क्लियरली मैंशनड है। अगर किसी ने पहले डाउनलोड कर रखी है तो प्लीज़ आप दोबारा इसे डाउनलोड करें अपडेटेड एडमिट कार्ड्स थ्रू द सेड लिंक एंड प्रोड्यूस द सेम एट द एग्जामिनेशन सेंटर। अपडेटेड एडमिट कार्ड जो है वो आपको एडमिट सेंटर पर लेके जाना है, क्यूआर कोड जिस पे मैंशनड है वो वाली एडमिट कार्ड, ठीक है। तो प्लीज़ डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स। जिन्होंने ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जिन्होंने अभी तक वो इन्फॉर्मेशन देखी नहीं है, तो प्लीज़ अब दोबारा अगर आपने कर ली है तो अपडेटेड एडमिट कार्ड को डाउनलोड करिए। आपको ईमेल गया हुआ है कमीशन की तरफ से, वो लिंक गई हुई है वहाँ से कर सकते हैं या फिर एचपीएससी के साइट से कर सकते हैं, दो जगह से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। एंड फाइनली आज 19th है तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है एंड हैव फेथ इन यू, हैव फुल फोकस, ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।